नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपने घर के मच्छरों से? यदि हाँ तो ये वीडियो देखना पूरा। अगर आज का ये नुस्खा आपने देख लिया तो आपके घर में एक भी मच्छर नहीं बचेंगे। दोस्तों, मच्छरों को भगाने के लिए आप मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, उनको आप जलाते हैं, उनसे निकलता है जहरीला धुआं, जिससे कि आपकी फैमिली हो जाती है परेशान, यानी कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत नुकसान करता है। तो दोस्तों, आप मार्केट की चीज़ों को छोड़ करके मैं आज आपको एक ऐसा सरल घरेलू उपाय बताऊंगी। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके घर में एक भी मच्छर नहीं बचेंगे और आपका परिवार पूरा सेफ्टी पूर्वक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे लेना होगा सबसे पहले लहसुन की दो कलियाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लहसुन की दो कली ले ली हैं और इसका हमें छिलका वगैरह कुछ नहीं उतारना है। इसको हमें ऐसे ही ग्रेट कर लेना है इस तरीके से, या तो आप ग्रेट कर लें या फिर आप इसको कूट लें। तो यहाँ पर मैं इसका ग्रेट कर रही हूँ, ग्रेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरे कहने पर, जैसा कि मैं बता रही हूँ, मेरे कहने पर इस नुस्खे को एक बार जरूर ट्राई करना और उसके बाद ही मुझे कमेंट करके बताना। ये दोस्तों नुस्खा बिल्कुल 100% है। मैं अपने घर में एक भी मॉस्किटो क्वेल वगैरह नहीं जलाती हूँ, इसी नुस्खे का यूज करती हूँ। इसके बाद मैंने इसको ट्राई किया है और इसके बाद मैंने इस नुस्खे को आपके साथ शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लहसुन की दो कलियों को ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें चाहिए यहाँ पर कॉटन, तो कॉटन हम थोड़ा ज़्यादा सा ले लेंगे और इस कॉटन को थोड़ा सा हम फैला देंगे इस तरीके से। ये देखिए, पट्टी टाइप से इसको हम फैला देंगे और फैलाने के बाद में जो ये लहसुन ग्रेट किया हुआ है इसी में हम पूरे में फैला देंगे इस लहसुन को, यानी कि ग्रेट किए हुए लहसुन को फैला देंगे इसी में। दोस्तों, आप देखना आपके घर में एक भी मच्छर नहीं बचेगा। आपके घर में जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह भी होंगे ना, तो वो भी निकल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं घर में, तो वो भी सारे गायब हो जाएंगे मच्छरों के साथ साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें कॉटन में पूरा जो कद्दूकस किया था, यानी ग्रेट किया था लहसुन को, इसी में डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉटन और ले लेंगे और इसके ऊपर से हम रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रोल रोल टाइप का हम बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा फोल्ड करके और थोड़ा सा आप रोल टाइप का बना दें। ये देखिए, इस टाइप से आपको करना है। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो गया क्योंकि अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता है, लेकिन दोस्तों ये नुस्खा बिल्कुल 101% काम करता है। इसको आप एक बार जरूर ट्राई करना। इसको आप यूज करेंगे, आपके घर में एक भी मच्छर नहीं रहेगा, जिससे कि आपकी पूरी फैमिली सिक्योर रहेगी, यानी कि आपके छोटे छोटे बच्चे भी सिक्योर रहेंगे और आपका परिवार पूरा सिक्योर रहेगा। किसी को ना तो चिकनगुनिया होगा और ना ही किसी को डेंगू होगा। तो अब आपको करना क्या होगा, इस टाइप से एक डेलिया लेना होगा, यानी कि पारो, इसको हर जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर आपके पास में इस टाइप का डेलिया ना हो तो आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, स्टील कटोरी, कोई हलवा प्लेट हो उसमें वो भी आप ले सकते हैं और उसमें आप इस तरीके से इस बाती को रख दें। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इस दिए में बाती को रख दिया है और इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे दोस्तों सरसों का तेल। आपको जो मैं सामग्री बता रही हूँ, आपको कहीं पर भी नहीं जाना होगा, आपको अपनी किचन में ही मिल जाएगा और दोस्तों बिल्कुल सस्ता भी है। तो चलिए, इसमें मैं क्या करूँगी, दिए को मैं भर दूँगी पूरे तेल से और अब इसके बाद में जो ये बाती ऊपर सूखी हुई है, इस बाती को भी हम थोड़ा सा इसी तेल से गीला कर देंगे स्पून की मदद से, यानी कि चम्मच की मदद से। इस टाइप से हमें पूरी बाती को भी गीला करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई करना, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही कामयाब नुस्खा है ये। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरी बाती को गीला कर दिया है। अब इसके बाद में हम इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, कपूर। थोड़ा सा बाती को हम इस तरीके से हाथ से इस तरीके से कर देंगे ताकि ये जलने में सुविधा दें। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे कपूर। कपूर की लगभग हम दो टिकिया इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दो टिकिया ले ली हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसका बना लेंगे पाउडर। इस तरीके से मैं इसका पाउडर बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको हाथों से ही मसल के डाल दें। कपूर कोई सा भी चलेगा, जो पूजा वाला कपूर आता है वो भी चलेगा, जो भी कपूर हो आपके पास में कपूर चल जाएगा। ये मैंने पूजा वाला कपूर लिया जो पूजा में इस्तेमाल होता है, तो इसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब इस कपूर को आपको करना क्या है, इस बाती के ऊपर आपको इस तरीके से चम्मच की मदद से ये कपूर को डाल देना है पूरी बाती में। ये देखिए, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से आप भी डालना। दोस्तों, इसकी जो स्मेल निकलेगी, जो खुशबू निकलेगी,
इसी से आपके घर के सारे मच्छर गायब हो जाएंगे, आपके पूरे घर के मच्छर गायब होंगे दोस्तों। आप इसको जरूर ट्राई करना। अब ये बचा हुआ जो कपूर है इसको हम डाल देंगे इसी तेल में, और अब इस तेल में जो कपूर मैंने डाला है इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, हल्के हाथ से चला देंगे। ये देखिए अब ये तेल में भी कपूर हो गया है और बाती के ऊपर भी कपूर हो गया है और बाती में लहसुन हो गया है। अब बताइए आप मच्छर कैसे नहीं भागेंगे, 101% मच्छर भागेंगे, एक भी मच्छर नहीं रहेगा आपके घर में और एक भी कीड़ा नहीं रहेगा। अगर आपके घर में कॉकरोच वगैरह है ना तो वो भी निकल जाएंगे इसी नुस्खे से। तो लीजिए दोस्तों नुस्खा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इस दीपक को जला देंगे, यानी कि दिए को जला देंगे, और अब ये तैयार हो गया है आपके घर के सारे मच्छरों को भगाने के लिए, और बिल्कुल सिक्योर है, इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप क्या करें, इस तरीके से दिए को जला दें और आप जिस कमरे में लेटते हैं उस कमरे में इस दिए को रख दें। रखना आपको ऐसी जगह पर है जहाँ पर्दा ना हो, यानी कि कोई कपड़ा वगैरह ना हो, बिल्कुल फ्रेश जगह पर रखें जहाँ कहीं पर्दा वगैरह ना लटक रहा हो। तो आप इस तरीके से बिल्कुल सिक्योर टाइप से आप इसको रख दीजिए और इसको रात भर जलने दीजिए। इतना आप काम कर लेंगे तो रात भर ये दिया आराम से जलता रहेगा, और इसमें से धीरे धीरे जो ये लहसुन है और ये जो कपूर है ये जब धीरे धीरे जलेगा ना तो इसकी स्मेल निकलेगा, यानी कि धुआं निकलेगा, जिससे कि आपके घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे। आपको करना क्या है, इस तरीके से आप इस दिए को जला दें, और जलाने के बाद में आप किसी भी कमरे में या फिर आप कहीं पर भी ड्राइंग रूम में कहीं पर भी इसको आराम से रख दीजिए दिए को सुरक्षित जगह पर, और रख करके इसको यानी कि जला दीजिए और खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दीजिए। 15 से 20 मिनट तक के लिए आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद में 15 मिनट बाद आप एक दो खिड़की खोल दीजिए अपने घर की, जिससे आप खुद ही देखेंगे आपके मच्छर सारे घर से बाहर निकल जाएंगे। कुछ मच्छर तो मर जाएंगे और कुछ मच्छर घर से बाहर निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं इस दिए से धुआं भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे जैसे लहसुन जल रहा है और जो कपूर जल रहा है इसी की स्मेल इससे निकल रही है धुएं के रूप में, आप देख सकते हैं। और ये धुआं बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा किसी को, बशर्ते ये धुआं फायदेमंद ही है हम लोगों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें मैंने कोई केमिकल वाली चीज़ें यूज नहीं की है। दोस्तों इस दिए को आप शाम टाइम जला दें, क्योंकि शाम को मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं, एकदम से 7 से 8 बजे करीबन मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर में, तो उसी टाइम पर इस दिए को आप जला दें और ये दिया आपका रात भर बड़े आराम से जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी टाइप से इसमें जो लहसुन है ये जल जाएगा, ये कपूर है ये जलेगा, इसकी सारी स्मेल निकलेगी, जिससे कि सारे मच्छर कीड़े पतंगे सब बाहर, घर आपका बिल्कुल फ्रेश। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे ये पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।